गिरफ्तारी। फिर आमिर खान ने बीजेपी नेता से की मुलाकात। क्या बीजेपी में शामिल होंगे आमिर खान या फिर करियर बचाने का है प्लान? इस वक्त आमिर खान के ऊपर एक कहावत बिल्कुल सटीक बैठ चुकी है, वो ये है कि सुबह का भूला अगर शाम को घर लौट आए तो उसे भूला नहीं चाहिए। यानी अगर किसी व्यक्ति को अपनी भूल का एहसास हो जाए तो उसे माफ कर देना चाहिए। इन दोनों आमिर खान देश के प्रधानमंत्री की तारीफ कर रहे हैं, बीजेपी नेता से मुलाकात भी कर रहे हैं और तो और पूजा पाठ भी कर रहे हैं। आखिर ये मतलब क्यों? आमिर खान की फिल्में नहीं चल रही, क्या ये है वजह? आमिर खान की फिल्मों का बॉयकॉट हो रहा है, क्या ये है वजह? आमिर खान सनातनियों को खुश करना चाहते हैं, क्या ये है वजह? आमिर खान का मूड अब क्यों बदल रहा है ये तो बनी जाने, लेकिन जिस तरह से वो फिलहाल चर्चा में आ गए हैं उस पर हर कोई बात कर रहा है। ये वही आमिर खान है जिनकी एक्स वाइफ किरण राव को भारत में रहने से डर लगता है। दरअसल साल 2015 में आमिर खान ने एक इवेंट में इंटरलोनल मामले पर बात करते हुए कहा था कि पिछले 6-8 महीने से असुरक्षा और डर की भावना समाज में है, यहाँ तक कि मेरा परिवार भी ऐसा ही महसूस करता है। मैं और मेरी पत्नी किरण ने जिंदगी भारत में, लेकिन पहली बार उन्होंने मुझसे देश छोड़ने की बात की। आमिर खान अपने इस बयान की वजह से काफी ट्रोल हुए थे। आमिर खान का ये बयान ऐसे टाइम पर आया था जब भारत में पीएम मोदी की सरकार थी। आमिर खान अपने इस बयान की वजह से बीजेपी के निशाने पर भी आ गए थे, उनकी काफी आलोचना हुई थी। आमिर खान ने मोदी की सरकार से तब से पंगा लिया था जब उन्होंने फिल्म पीके में हिंदू देवी देवताओं का अपमान किया था। बीजेपी हिंदुत्व विचारधारा वाली पार्टी है, बीजेपी सनातन धर्म का समर्थन करती है। ऐसे में आमिर ने सनातनियों की भावना आहत कर बीजेपी से पंगा ले लिया था। बीते कई दिनों से आमिर खान की फिल्में भी नहीं चल रही। पिछले साल रिलीज हुई उनकी फिल्म लाल सिंह चड्ढा का विरोध भी किया गया, बीजेपी नेताओं ने भी आमिर का विरोध किया था, कई हिंदू संगठन ने उनकी फिल्म का बहिष्कार कर दिया था। अब यही आमिर खान बदले बदले से नजर आ रहे हैं। बीजेपी नेता आशीष शेलार के घर पहुंचे आमिर खान। बता दें कि इन दिनों हर तरफ गणपति बप्पा की धूम मची हुई है। हाल ही में आमिर खान बीजेपी नेता आशीष शेलार के घर गणपति बप्पा के दर्शन करने पहुंचे थे। इस दौरान आमिर खान अपने हाथों में लड्डू की थाल लेकर आते हुए नजर आए थे। इस दौरान आमिर ने गणपति बप्पा की पूजा की, वहीं आमिर ने बीजेपी नेता आशीष के साथ वक्त भी बिताया और कई तस्वीरें भी खिंचाई। जब आमिर की ये वीडियो जारी हुई उसके बाद से ये सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। एक टाइम था जब आमिर खान अपने बयानों की वजह से बीजेपी के निशाने पर रहते थे और अब एक टाइम है जब आमिर खुद बीजेपी नेता से मुलाकात कर रहे हैं और उनके कार्यक्रम में हिस्सा ले रहे हैं। आमिर खान पर लोग कर रहे हैं तरह तरह की बातें। जब से आमिर खान का बीजेपी नेता आशीष शेलार संग मुलाकात का ये वीडियो वायरल हो रहा है उसके बाद से ही लोग तरह तरह की बातें कर रहे हैं। कोई बोल रहा है कि ये तो कमाल हो गया, वहीं कोई कह रहा है कि पैसों के लिए क्या क्या करना पड़ता है। एक यूजर ने लिखा, अरे अरे ये भी आ गया, इस बार तो ये ऑल थ्री खान गणपति दर्शन को पहुंचे, वाह कमाल हो गया, इट शोज भारत का हिंदू वाकई जाग चुका है। वहीं कमलेश पांडे नाम के एक यूजर ने लिखा कि बीजेपी नेता के यहाँ ये चांद कहाँ से निकला आज, क्यों आजकल भारत में डर नहीं लगता जनाब। इसके अलावा छीचा लेदर नाम के एक यूजर ने लिखा, एक तो पूजा, ऊपर से बीजेपी प्रेसिडेंट के घर पे, फैंस बुरा मान जाएंगे। वहीं बॉक्स ऑफिस का बाप नाम के यूजर ने लिखा कि पैसे के लिए क्या क्या करना पड़ता है। इतना ही नहीं, वस नाम के एक यूजर ने लिखा, इनको तो भारत में डर लगता था, क्या हुआ। वहीं जय भारत नाम के एक यूजर ने लिखा, अब इसकी भी कोई मूवी रिलीज होने वाली है क्या। अब पीएम मोदी की तारीफ कर रहे हैं आमिर खान। बता दें कि पीएम मोदी ने 2014 में सत्ता संभालने के बाद रेडियो पर मन की बात कार्यक्रम की घोषणा की थी। इसके जरिए वो देश के लोगों से विभिन्न विषयों पर बात करते हैं और अपने सुझाव को भी रखते हैं। 30 अप्रैल को मन की बात के 100वें एपिसोड को वो पूरा कर चुके हैं और इस मौके पर दिल्ली के एक कॉन्क्लेव का आयोजन किया गया था दिल्ली में, जहां आमिर खान भी पहुंचे थे। इस दौरान आमिर खान ने पीएम मोदी के मन की बात के कार्यक्रम के साथ साथ पीएम मोदी की जमकर तारीफ की थी। मन की बात हैड अ ह्यूज इंपैक्ट ऑन द पीपल ऑफ इंडिया और एक बड़ा गहरा असर पड़ा है लोगों पर और ये बहुत ही हिस्टोरिक चीज हुई है जो प्रधानमंत्री ने की है मन की बात। जी आमिर जी, आमिर जी कैसा?
बीजेपी में शामिल होंगे आमिर खान। अब जिस तरह से आमिर खान पीएम मोदी के गुणगान कर रहे हैं, बीजेपी नेता से मुलाकात कर रहे हैं और हिंदू देवी देवताओं की पूजा कर रहे हैं, उसे देखकर ऐसा ही कहा जा रहा है कि आमिर खान बीजेपी समर्थक बनते जा रहे हैं और क्या पता जल्दी वो बीजेपी में शामिल भी हो जाए। अब आमिर भगवा रंग में रंगते हैं या नहीं, ये तो वही जाने, लेकिन हम इसकी पुष्टि नहीं करते हैं। हाँ, ये बात मीडिया में काफी सुर्खियां बटोर रही है कि आमिर खान के तेवर इन दिनों बदले बदले दिख रहे हैं। कभी मोदी सरकार के खिलाफ बयानबाजी करने वाले आमिर अब पीएम मोदी की तारीफ भी कर रहे हैं और बीजेपी नेता से मुलाकात भी कर रहे हैं। क्या नई फिल्म के लिए आमिर खान के बदले तेवर? लाल सिंह चड्ढा के फ्लॉप होने के बाद से ही आमिर खान ने कोई फिल्म साइन नहीं की है। लाल सिंह चड्ढा के फ्लॉप होने के बाद से ही आमिर खान पूरी तरह से टूट गए थे और उन्होंने फिल्मों से कुछ दिनों का ब्रेक ले लिया था, लेकिन अब आमिर खान की नई फिल्म का ऐलान हो चुका है। आमिर खान जल्द ही राजकुमार संतोषी के डायरेक्शन में बनने वाली फिल्म में दिखाई देने वाले हैं। कहा जा रहा है कि इस फिल्म में आमिर के साथ सनी देओल भी दिखाई देंगे। इसी तरह की खबरें आ रही है कि आमिर की ये फिल्म अगले साल क्रिसमस के मौके पर रिलीज होगी। अब सवाल ये उठ रहे हैं कि आमिर के ये बदले हुए तेवर अपनी नई फिल्म के लिए तो नहीं है? उनकी फिल्म का अब बहिष्कार ना हो इसलिए वो पीएम मोदी के गुणगान भी कर रहे हैं और सनातनियों को खुश करने के लिए पूजा पाठ भी कर रहे हैं, क्योंकि आमिर खान भी जानते हैं कि अगर 1000 करोड़ का आंकड़ा पार करना है तो सनातनियों को खुश रखना जरूरी है। वैसे आमिर खान से जुड़ी इस खबर पर आपका क्या कहना है हमें कमेंट कर जरूर बताएं और बॉलीवुड से जुड़ी खबरों को जानने के लिए हमारे साथ बने रहें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।